हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। ए सुबह सुबह आ गए हैं मिहिर के डायपर। हम तो उठे भी नहीं थे, इतनी जल्दी आ गए हैं। खत्म हो गए थे तो पहले से ऑर्डर कर दिया था। ए मिहिर, सुनी बे फैन फैन बे सुनी सुनी फैन बे नी गान गान। सुबह सुबह काम लेके बैठ गई हूँ। टेबल का बिछाने वाला जो शीट है मिही ने सारा फाड़ डाला है। आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग देखते ही होंगे, क्योंकि मिही दिन ब दिन थोड़े थोड़े करके फाड़ते जा रहा था, तो अभी इस लायक नहीं बचा है कि मैं इसे बिछा के रखूं। जिस साइड में थोड़ा ठीक है वो साइड में काट के रखूंगी, क्योंकि जहाँ पे बिछाने लायक हो छोटा छोटा जगह पे मैं वहाँ पे बिछाऊंगी। सोच रही हूँ कि मेरी स्टोरेज बॉक्स में ऊपर वाले जगह पे मैं इसे बिछाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाले एरिया में धूल जम जाती है। ये मैंने यहाँ पे राउंड करके काटा है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा था, ठीक था ये पार्ट। इसको मैंने काटा है इस तरह से क्योंकि मेरी ड्रेसिंग टेबल में ऐसे हाफ राउंड की वो है जगह है। ज़रा देखिए तो ये कैसे कर दिया है मिहिर ने। ये देखिए, ये यहाँ पे ड्रेसिंग आईने में मैंने इसे बिछाया है। इस पार्ट वाला थोड़ा अच्छा था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फटा हुआ है, फिर भी ठीक है। इसे फेंकना पड़ेगा, तो अभी खाना खा लेते हैं। खाना पूरा खत्म कर दिया है दोस्तों, पूरा। अभी थाल में बस कांटे ही बचे हैं। ये सलाद भी खत्म कर दिया, ये मछली और सारा कुछ खत्म कर दिया। पूरा प्लेट खाली, बहुत ही ज्यादा खा लिया है मैंने। इसकी रेसिपी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसे मैंने नहीं बनाया है, मिस्टर ने बनाया है। ये बंगाली का बहुत ही फेमस डिश है, काथोल बासेर कालिया, जो मुझे पसंद है बहुत, तो मिस्टर ने खास करके बनाए हैं मेरे लिए। तो वैसे तो मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मेरे मिस्टर जो है बहुत ही खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो मिलते हैं हाथ धोने के बाद। अभी खाना खा लिया है तो अभी खाऊंगी पान तामूल, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पान मिहिर रेडी है घूमने के लिए। रेड पैंट, पिंक शॉक्स और ये ग्रे कलर की स्वेटर, काला टीका और अभी खा रहा है बिस्कुट। तो मैं भी अभी तैयार हो लेती हूँ। हम रेडी हो गए हैं पार्क में जाने के लिए। अभी मैंने कोई स्वेटर भी नहीं पहना है क्योंकि अभी तो धूप है, गर्मी लगेगी। ये शॉल लूंगी, ये वाली शॉल, और ये शूज पहनूंगी। तो अभी ही जाना है, नहीं तो पहुँचते पहुँचते थोड़ी ज़्यादा ही इवनिंग हो जाएगी, फिर अंधेरा भी हो जाएगी, इसीलिए। तो ये पूरा रेडी है और बैग में है ये पानी का बोतल, पर्स, रुमाल। तो चलते हैं। आपको मालूम नहीं डरनी है, हाय इंदर, मेरा हिंची ना। 15 minutes later.
पार्क के अंदर आ गए हैं। तो यही है गौरांग की दाउकी पार्क, जहाँ पे हम घूमने आ सकते हैं। पहले भी आ चुकी हूँ, पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है। वैसे घूमने के लिए जगह तो है बहुत सारे, लेकिन बच्चों के लिए खेलने के लिए यही एक जगह है जहाँ पे बच्चों को हम आज़ादी से हम छोड़ सकते हैं खेलने के लिए। लगा तो था कि बहुत सारे खिले खिले फूल दिखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं। बहुत ही सूखा सूखा सा लग रहा है जगह। वहाँ पे भैया जी वो फूलों का पौधा लगा रहे हैं। एक महीना तो लग ही जाएगा, इसका मतलब खिला हुआ फूल देखने के लिए जनवरी को आना होगा। इस साइड में जगह थोड़ा ऊंचा है और नीचे की तरफ है पानी, तो बच्चों को हमें संभाल के रखना है। वाओ, अति सुंदर, आज पहली बार देखा है मैंने। इस साइड में जगह बहुत ही खुली खुली है, बहुत सारे झूला है और इससे ध्यान ही नहीं हट रही है मेरी। दीदी, मम्मी, बारी माय बारी शो माइना। माय नाय दं माय हा मिहिर दिलाय गोजा गोजानो दालाय मोनगोन नामा होनलायबावदो ना गो गो वो वहां पे मिहिर खेल रहा है बॉल के साथ। मिहिर को बॉल बहुत ही पसंद है। Go! Oh! Kebari je, kebari! Go! Wohee Island. गौरांग पार्क का आइलैंड नाम ही नालूस पक्का भाई से ना मिहिर पक्का भाई। मजांग मजांग
के भाई तू उठा वन टू थ्री जाना दे सोदो जानजियाव सोदो दे आं खालामनि हर हर नै नै गान खोनानानै मोसादों बोरो माबे मा लादों नों बेखौ बैग्रि अ बैग्रि ना जानाङा दि गिला फैदो फैदो थांसै फैदो सनसेट होने वाली है दोस्तों, तो अभी घर जाते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।